लुधियाणा के पिंड कबद्दी कलां च गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी के मामले के सच सामने आ गया है। बेअदबी के मामले में पुलिस ने गुरुद्वारा के सेवादार महिला बलविंदर कौर ते ग्रंथी सिकंदर सिंह गिरफ़्तार किया है। जांच पता लगा कि बलविंदर कौर विधवा है, उसका बेटा रणजीत सिंह नंबरदार है और वह 2 साल पहला गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान भी रह चुका है। बलविंदर पिछले 7 साल तो सवेरे गुरुद्वारा साहब सफाई करन जाती सी। ऐतवार को भी वह सवेरे 4:15 बजे गुरद्वारा साहब गई। उत्थे उसने ग्रंथी तो रोज़ की तरह चाबी ली और सफाई करन लगी। इस दौरान पता नहीं उसके मन में की आया कि उसने पावन सरूप के पन्ने पाड़ दिते। जब ग्रंथी पाठ करन लगा तो पावन सरूप के पन्ने फटे हुए सन, जिसन देख के उसके होश उड़ गए और उसने अपनी नौकरी बचाने बलविंदर कौर न मिलकर ड्रामा रचते हुए गुरुद्वारा साहब के स्पीकर तो अनाउंसमेंट कर दी कि किसी ने पावन सरूप की बेअदबी की है। पुलिस ने जदों दोहां पासों सख्ती नाल पुछगिछ की तो दोहां ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और असलियत यह सामने आई कि उक्त महिला अपने पुत्र नूं दोबारा गुरुद्वारे का प्रधान बनाना चाहती सी, जिस दे चलदे उसने पंजाब विच चल रहे नाजुक हालात का फायदा उठाते हुए यह कारा किया।